मैं वृद्धाश्रम में हूँ लगभग 5 साल से। अच्छा लगता है यहाँ, अपने आप के तरह रह सकती हूँ। जब मन करता है तब किताबें पढ़ती हूँ, जब मन करता है तब गाना सुनती हूँ। कभी कभी यहाँ के दूसरे रहने वालों के साथ बातें भी करती हूँ। अच्छा लगता है, अच्छी हूँ मैं, ठीक हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जावेद डॉक्टर है, अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और छोटा बेटा अपने बाप के बिजनेस का देखभाल करता है। और एक बेटी है, बैंक में नौकरी करती है। हर हफ्ते में छुट्टी के दिन आती है मुझसे मिलने के लिए, और किसी हफ्ते में अगर नहीं आ सकती है तो खाना बनाकर भेज देती है। थोड़ा ज़्यादा करके ही भेजती है ताकि मैं आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा दे सकूं। ऐसे ही चल रही है मेरी ज़िंदगी पिछले 5 साल से। जावेद का पापा गुजर जाने के बाद लगभग 1 साल बाद मुझे बहुत बड़ा एक कार्डियक अरेस्ट आता है, और तब मुझे 1 महीने के लिए लगभग हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। क्या समय था तब, पैसों की कोई कमी नहीं थी, ना प्यार की, और इच्छा की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी समय की। हमेशा मेरे साथ एक जन को रहना पड़ता था, हमेशा डॉक्टर के साथ बातें करना पड़ता था, नियम करके रेगुलर औषध गोली खिलाना, एक्सरसाइज कराना और भी कितना कुछ। और जब घर आई तब दूसरा झमेला, हमेशा मेरे पास किसी को रहना है। इतना समय किसके पास है, इसीलिए बाहर से किसी को बुलाना है हमेशा मेरे देखभाल के लिए। मेरी बेटी ऑफिस कर रही है, मुझे संभाल रही है, ऑफिस और मुझे संभालते संभालते अपने घर में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही है। एक दिन मैंने सुना है कि मेरा जमाई दामाद जी बेटी को बोल रहे थे कि तुम्हारे अकेले की माँ थोड़ी है, तुम्हारे भाइयों को भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैंने सोचा सही बात है, ये बात तो निकलती ही है, नॉर्मल बात है, मैंने नॉर्मली ही लिया। और फिर एक दिन जब घर आई अपने घर, तब एक दिन सुनी कि छोटी बहू बेटे पर बहुत ही चिल्ला रही थी, कारण बच्चे का रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ। बच्चा मतलब मेरा पोता, पोते का रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ और इसका वजह मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बीमार होने के वजह से घर में रिश्तेदार लोगों का आना जाना बहुत ही बढ़ गया था। फिर रिश्तेदारों के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करना, मेरे ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान रखना और रिश्तेदारों से बातें भी करना पड़ता है। इन सब चक्करों में मेरे ऊपर ध्यान देते देते मम्मी पापा दोनों में से कोई ही बच्चे पर नज़र नहीं दे पाए, बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाए, और इसी वजह से बच्चे का रिजल्ट बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही खराब हुआ। और ये बात भी सच ही है, सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसीलिए मैंने नॉर्मली ही लिया है। मुझे पता है, मैंने सोचा है कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, और इस ज़माने में थोड़ा सा भी समय इधर उधर हुआ तो बच्चे को नुकसान होना ही है, बच्चे के पढ़ाई को नुकसान होना ही है, इसीलिए ये नॉर्मल बात है और मैंने नॉर्मली ही लिया है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत एंगल से सोचा, और सोचकर ये डिसीजन लिया है कि मुझे वृद्धाश्रम में रहना ही ठीक है। बच्चों ने मेरी बात का बहुत विरोध किया। बड़ा बेटा विदेश से घर आया, बहुत ही रो रहा था। वो बोल रहा था कि मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो, वो मुझे उसके साथ लेके जाना चाह रहा था। छोटा बेटा बहुत रो रहा था, वो बोल रहा था कि मेरी गलती है, मैंने अपनी मम्मी का ध्यान नहीं रखा होगा, इसीलिए मम्मी अभी वृद्धाश्रम में जाना चाहती है। बेटी आई, बेटी बहुत रोई, बेटी ने कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे घर पर जाकर रहो, लेकिन मैं मेरे डिसीजन पर अटल रही, स्थिर रही, मैंने अपनी डिसीजन नहीं बदली। छोटा बेटा जहीर ने पूछा, माँ तुम और हमें अपना नहीं मानते हो, इसीलिए हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो, अब और हमसे प्यार नहीं करते हो। मैंने बोला, मुस्कुरा कर बोला, बहुत प्यार करती हूँ रे पागल, और इसीलिए चाहती हूँ कि ये प्यार का रिश्ता हमेशा प्यार का ही रहे, और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। तुम लोगों को भी अपना समय अपना काम खराब करके मेरे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे भी अकेले घर में मरे पड़े रहने का डर नहीं रहेगा, ये सबसे अच्छी बात है। बड़े बेटे ने कहा, मम्मी हमारे गांव का जो घर है वो तो खाली ही पड़ा रहता है, अगर आपको हमारे साथ रहने में दिक्कत है तो उस घर में जाकर रहो,
लेकिन मैंने बोला कि वही तो घर, वही संसार, वही जिम्मेदारियां, बहुत तो किया। अभी खुद के तरह थोड़ा सा रहना चाहती हूँ, खुद के मन के तरह, जैसे मुझे अच्छा लगे वैसे। और जब बच्चों ने समझ लिया कि मैं उनकी बात नहीं सुनने वाली हूँ, तब उन्होंने बोला, ठीक है माँ, तुम जाना चाहती हो जाओ, लेकिन तुम्हारा खर्चा हमें देने दियो। तो मैंने बोला, ठीक है देना, उसमें मैंने मना नहीं किया है, मेरा खर्चा तुम लोग दो। तो सभी डिसीजन फाइनल हो जाने के बाद मैंने सभी जो इंतज़ाम है सब कुछ बहुत ही जल्दी कर लिया। संपत्ति का बंटवारा किया है सही सही, अपने हिस्से की संपत्ति अपने पास ही रखा, क्योंकि उसको मैं मेरी तरह इस्तेमाल करने वाली हूँ, मेरी तरह किसी को देना चाहती हूँ। समाज के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ करने का मन रखती हूँ। यहाँ वृद्धाश्रम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों को समय नहीं है। 2 मिनट माँ बाप के साथ बिताने के लिए बच्चों के पास समय नहीं है, और कोई कोई अपनी जिम्मेदारी का बंटवारा बच्चों में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ चले आते हैं। मतलब बिल्कुल निराश जब तक ना हो तब तक कोई वृद्धाश्रम में आने की बात सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन वृद्धाश्रम जिंदगी के आखिर में पारिवारिक बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी के विरोध में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सम्मानजनक एक विकल्प हो सकता है, ये हम सोच ही नहीं सकते। ये बात इस समाज में अभी तक ग्रहण ही कोई नहीं कर सकता। जब तक हम लड़कियां, औरतें, घर, परिवार, बच्चा, इन सब के बाहर खुद को अस्तित्वहीन सोचेंगे, तब तक ये वृद्धाश्रम बात हमारे पास एक ऋणात्मक बात होकर ही रहेगी। यहाँ सब लोग मुझसे जलते हैं, वृद्धाश्रम में प्यारा सा जलन है। सब बोलते हैं, आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं, सब लोग आपको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने पास लेके जाना चाहते हैं, उनके साथ रखना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पड़ी हो। मैं उनको हंसकर जवाब देती हूँ, यार मैं यहीं पर ठीक हूँ, यहीं पर अच्छी हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनके पास इच्छा प्यार की कोई कमी नहीं है। वो लोग अपने अपने जिम्मेदारियाँ भी बहुत ही अच्छे से संभालेंगे, लेकिन आज इस ज़माने में, इस कंपटीशन के ज़माने में, इस समय की कमी के ज़माने में मैं उनके पास एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ उनका प्यार ऐसे ही मेरे ऊपर बरकरार रहे। एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के बोझ इस तरह मैं नहीं रहना चाहती हूँ। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये कहानी एक्चुअली फेसबुक पर मुझे उड़ती हुई मिली बांग्ला में, और उसको मैंने ट्रांसलेट करके आपको सुनाया है हिंदी में। और ये कहानी किसने लिखी है ये मुझे पता नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ करें। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा बोलना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी मैं एक नई कहानी या नई कविता के साथ, और तब तक आप सेफ रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे। बाय बाय।